हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो मैं आपका भाई सागर लोमर। तो गाइस, मैंने पहले भी आपको बारिश के कारण दिखाया था कि कैसा श्रीनगर की हालत खराब थी। तो अब देखो भाई, यहाँ पर कितनी बुरी हालत खराब कर दी है, दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये हमारी सरकार का काम देख लो भाई, कैसा काम हो रहा है। देखो भाई, कितना ट्रैफिक हो गया है, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। बच्चे आने जाने वाले सभी परेशान हैं इससे। अभी कुछ मेरे सामने बच्चे भी गिर गए हैं, और अभी एक भाई ऑफिस से जा रहा था, जस्ट अभी हाल ही की केस है। चाचा ये हमारे मनोज नाम है, वो भी गिर गए अभी। भाई ये काम बहुत ही स्लो कर रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। ये हमारे सुंदर भाई हंसते हुए आ रहे हैं। भाई थोड़ा जंग लड़नी पड़ेगी यहाँ से, अपनी सरकार का काम देख के। देखो भाई, बच्चे के खतरे का काम कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सुंदर भाई देख के? ये देखो भाई, सुंदर भाई भी निकलेंगे ऐसे। तो पानी बने भाई, भाई यहाँ पर भाई काम के हिसाब से करना चाहिए ना, इतना टाइम लगा रहे हैं। परेशानी तो कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है इन्हें, जंग लड़नी पड़ रही है सबन ने। ये देखो भाई, कैसे कैसे निकटना पड़ रहा है पब्लिक को। ये देख, माल भर के लेके जा रहा है, ओ करता हुआ। देखो ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आने में इनको। अभी ये भाई बताएंगे, देखो अभी बच्चे को लेके आ रहे हैं। भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर? बच्चा गिर जाता तरीके से खुदाई करवा रहे हैं भाई। मैं अपनी सरकार, जल्दी प्रोग्रेस हो। मैं अपनी सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ भाई, जल्द से जल्द काम कराओ, हर पब्लिक परेशान है इससे। अरे काम कर रहे, कैसा अच्छा लग रहा है काम? जल्दी करो ना भाई जी। अंकल काम करो तो उसी हिसाब से करो ना, कि पब्लिक भी परेशान हो रही है इससे। हाँ आज काम कर रहे हैं, फिर दो दिन छुट्टी कर लेंगे। देखो कैसे बैठे सो रहे सब। काम करना चाहिए, ऐसा काम नहीं होगा, ऐसे तो पब्लिक बहुत परेशान होगी, बहुत परेशान है सभी। देखो आने जाने वाले बच्चे सब परेशान। देखो ये पाइप सारा कैसे टूट गया, ये भाई बता रहा है कि ये पाइप कैसे टूट गया सारा। काम होएगा तो भाई टूटेगा, पानी कहाँ से जाएगा? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, खतरा है भाई, पानी के कनेक्शन बंद हो गए, पब्लिक परेशान होगी, पानी के ऊपर और परेशानी है। भाई आप तो सब चीज काम करते हो, आपको पता है कि लाने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। खतरे का है बताओ, थोड़ा तेज बोलो भाई, पब्लिक को सुननी चाहिए। जो दो तीन दिन तो ऐसे ही लग जाएगा इस छुट्टी को, दो तीन दिन तो देखा जाए भाई, छुट्टी भी तो बहुत कर रहे हैं, दो तीन दिन से ज्यादा ही लग गया। थोड़ा तेज बोलो, अपनी सरकार को बताओ कुछ अपनी, कि भाई ये काम कैसे कर रहे हैं। पाइप भी कितने खतरनाक निकल रहे हैं, कोई गिर जाए और भाई गट जाए तो बहुत ही, मतलब इंसान की जान जाने का खतरा है। ये देख रहे होंगे भाई अब कितनी हालत खराब हो गई है। पहले ये आईनगर में इतना क्राउड है, दिल्ली का एरिया है, मतलब दिल्ली के सेकंड नंबर पे आ रहा है इस टाइम जो आईनगर क्राउड के मामले में देखा जाए, और ऊपर से ऐसा रास्ता बना दिया है। भाई चलो काम करो, अच्छी बात है काम कर रहे हैं सरकार, पर ऐसा भी नहीं भाई कि आज काम कर रहे हो दो दिन छुट्टी कर ली, इससे सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी थोड़ी देर में स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी भाई। तो भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, जो भी हमारे यहाँ पर नेता लोग हैं जो भी, भाई से जल्द जल्दी करवाओ, डिले मत करो काम में, करो काम, अच्छी बात है, पर थोड़ा जल्दी करवाओ। ये नहीं कि छुट्टी करते रहो, एक दिन करो दो तीन दिन की छुट्टी, इससे काम भी लेट हो रहा है, पब्लिक भी परेशान हो रही है। अभी कुछ भी नहीं, अभी तो देखो भाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी नहीं हुई, अभी ऐसी हालत है, ये देख रहे होंगे आप। थोड़ी देर में भाई यहाँ पर इतना थोड़ा ट्रैफिक हो जाएगा, यहाँ पर खतरा भी बहुत है भाई बच्चों को गिरने का। अब देखो जो बाइक वाले जो भी इंसान जो गली से निकल रहा है भाई, वो निकल भी नहीं पा रहा, वापस जाना पड़ रहा है। ये टेबल लगा रखे भाई, इनका यूज़ तो करो, इनको लगवाओ, साथ के साथ खोद रहे हो तो गली के पास कुछ लगवाओ, ताकि कोई पब्लिक निकलती रहे यहाँ से। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे देखो कैसे आ रहे हैं, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। भाई मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे इधर का काम करवाओ, आज देख लेना आज काम हो रहा है, कर रही है सरकार, ये देखो कैसे काम कर रही है, सो रहे बिल्डोजर में लगा के, कोई लेबर मिस्त्री दी कि ना, कर दिया काम इतनी देर का, 5 मिनट का काम करा फिर सो गए।
भाई ऐसे काम चलेगा तो भाई तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आईनगर, क्योंकि एक ही रास्ता कर रखा है अलीगढ़ने की जगह ने। ये ट्रैफिक शाम के टाइम में इतना बड़ा ट्रैफिक होने वाला है कि पूरे मेट्रो तक ट्रैफिक लगेगा। ये देखो भाई पब्लिक कहाँ कहाँ से अपना रास्ता बना रही अलीगढ़ने का, खतरा भी है भाई बहुत ज़्यादा, फिर भी पब्लिक कोशिश कर रही है। पीछे 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 देखो भाई खतरे वाला काम ही कर रहा है, अगर गिर जाए तो सीधा नाले में। देखो भाई बच्चे अब सोच रहे हैं कैसे निकले यहाँ से, अब अर्जेंट काम तो बेचारे इनको रोकना पड़ा काम अपना। भाई परेशानी हो रही है ना बहुत ज्यादा, अब तुम सरकार से परेशान हो क्या कर रहे हो बताओ? आम पब्लिक भाई देखो कितनी परेशान कर दी सरकार ने, और ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा हो गया। मैं कह रहा था थोड़े दिनों ट्रैफिक इतना हो जाएगा, निकलने की जगह नहीं होगी यहाँ पर, कोई वाली हालत हो गई। ये देखो भाई बेचारे काम वाम करके आए, अभी परेशान है सब। अबे ये तो काम कर रहा है तू ही काम कर रहा है तुम्हारी परेशानी हम ही झेल रहे हैं। मैं अभी आपको योगी जी से मिलाऊंगा, योगी आए हमारे यहाँ पर। योगी जी कुछ क्या हो गया आपसे, पब्लिक से परेशान हो? योगी कह रहा हूँ बच्चे को लेके जा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। भाई बताएंगे आपको, अभी इनकी भी भाई की ऑफिस है इधर रोड पे ही, इनके भी काम में बहुत दिक्कत आ रही होगी। भाई बताओ कैसे परेशान हो इससे? बहुत ज्यादा परेशान हूँ भाई, कल मैं गिर गया था यहाँ पे, ठीक है, और पूछो मत कैसे कैसे उठाया गया हूँ मैं, पूरी पैन चल गई है मेरी। अब भाई जो अभी बताया था ना जो चाचा गिरे थे, भाई इनके चाचा गिरे थे जो यहाँ पर, मनोज जी थोड़े मोटे हैं भाई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई उनके। तो भाई सरकार से हम परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि भाई काम ऐसे करेंगे तो भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई बताएंगे मुझे सबसे ज़्यादा भाई लेडीज़ों का डर है, बेचारी हर दूसरे दिन जाके गिरते हैं यहाँ पे, ठीक है, कृपया करके इस रोड को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बनवाए और गिरने से बचाए लेडीज़, खासकर गिरते हैं सबसे ज़्यादा लेडीज़ गिरते हैं। भाई देखो भाई की आपने बात सुनी होगी, आपको सुन के भाई अच्छा लगा होगा, बता रहे हैं कि लेडी से ज़्यादा गिर रही है यहाँ पर, क्योंकि भाई रास्ता, क्योंकि लड़कों लोग तो भाई जंपिंग करके कूद जाते हैं, पर लेडीज़ कैसे निकले यहाँ से, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दो दिन से काम बिल्कुल रुका हुआ था, आज काम खोला है और वो भी थोड़ी देर के लिए चलाया बस। ये देखो भाई फिर काम रोक जाए यहाँ पर, और अब थोड़ी सी बारिश आएगी तो भाई इतना पानी भर जाएगा, निकलने की भी जगह नहीं रहेगी। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा भाई आईनगर पूरा पानी से कितना भर गया था, उस टाइम तो नाला भी नजर नहीं आएगा कहाँ पर है।